हेलो लर्नर्स। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बना लिया था, हमारा यहाँ तक ये बन के तैयार था। ऐड टू कार्ट बटन पर जब हमने क्लिक किया था, तो अब हमें इसके लॉगिन बटन के पीछे की कोडिंग करनी है। तो लॉगिन बटन के लिए हमें यहाँ पे आएंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एजेक्स एंड जेक्वेरी का यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है अपने कोडिंग सेक्शन में, और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट को देखिए, एक यहाँ पे जब मैं ऐड टू कार्ट बटन पे अब जब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मॉडल कट जा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे इस इनपुट टाइप सबमिट बटन को, इस लॉगिन बटन को हमें यहाँ पे बटन टाइप बटन करना है सबमिट को हटा करके, देन इसकी लॉगिन दे देनी है, क्योंकि इस पे हम क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन करवाना है, और यहाँ पे लॉगिन और बटन को क्लोज करना है। तो अब देखें, बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये मॉडल हमारा क्लोज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हम चलेंगे आगे, और अब सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पे इसके नीचे हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है इस लॉगिन की, इस बटन की, कि जब इस बटन पे हमने क्लिक करना है तो क्या होना चाहिए। तो चलिए, जब उस बटन पे क्लिक हो, उस लॉगिन बटन पे क्लिक हो, एक फंक्शन चल जाना चाहिए हमें, कोडिंग करनी है लॉगिन की। ओके, हमने एक वेरिएबल लेना है वायर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम की वैल्यू को, यहाँ पे हमने पासवर्ड के लिए भी करना है, कंट्रोल सी करते हैं, और कंट्रोल भी पासवर्ड के लिए भी हमने यहाँ पे ऐसे ही करना है पासवर्ड, और यूजर नेम की जगह पे मैं चेंज कर देना है पासवर्ड। इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आएंगे, और यहाँ पे हमने जो मॉडल में बनाया हुआ था, यहाँ पे नेम हमने यूजर नेम रखा हुआ है, आईडी यहाँ पे ईमेल है, तो इसे भी यूजर नेम कर देना है, क्योंकि वैल्यू हमने वहाँ पे ली हुई है यहाँ पे इस यूजर नेम में यहाँ पे। अब ये दोनों को हमने स्टोर करवा लिया, अब हमने एजेक्स से कोडिंग करनी है। जाना चाहिए नाउ, इसके नीचे यहाँ पे हमने यूआरएल लिखना है, लॉगिन प्रोसेस पीएचपी हमें लिख देना है यहाँ पर, डेटा टाइप टेक्स्ट कर देना है, डेटा हमें प्रिंट करना है, डेटा टाइप यूजर नेम एंड पासवर्ड। नाउ इसके बाद यहाँ पे सक्सेस फंक्शन चलाना है, सक्सेस अगर हो तो एक फंक्शन चल जाना चाहिए। क्या हमने किस कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी पैरामीटर में यहाँ पे पास करवा दिया मैसेज नाम का, अगर सक्सेस फंक्शन होगा तो यहाँ पे हमने इस मैसेज में हमारे पास वैल्यू आएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस में देखिए, ये कोडिंग मैंने यहाँ, जब हमने इस लॉगिन डॉट पी एच पी पे यहाँ पे हमने जो पहले लॉगिन का काम किया था ना, इसकी कोड को हमने बस पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे एक बार मिटा लेता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने हमारा पीएचपी शुरू किया, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है अपना सेशन स्टार्ट, एंड नाउ इस लॉगिन डॉट पीएचपी पे आना है, एक बार इंक्लूड वंस कॉन्फिग डॉट पीएचपी भी कर लेना है। नीचे हमने यूजर नेम, यूजर नेम में स्टोर करवा लेना है लेना है पोस्ट यूजर नेम, और
लेना है पासवर्ड को। अब इफ सेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर ये दोनों में दोनों ही यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही वैल्यू आई हुई है देन हमें आगे के काम करना है। तो यहाँ पे हमने एक क्योंकि ये लॉजिक हम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं चलिए एंड देन यहाँ तक यहाँ से लेकर के हमें इसमें हम फिलहाल मैंने इतना कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट लॉगिन प्रोसेस में यहाँ तक। नाउ इसके नीचे हम यहाँ पे आएंगे वाइल जहाँ पे इंड होगा वाइल यहाँ पे एंड देन इसमें हमें यहाँ पे करना है और भी। अब यहाँ पे हमने क्या किया एक SQL की क्वेरी चलाई जिसमें हमने लॉगिन से यूजर नेम को सिलेक्ट किया और अगर और उसके लिए इस रिजल्ट को यूजर नेम अगर फाउंड होता है तो उसके MySQL क्वेरी को इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और अगर नंबर ऑफ रोज रिजल्ट में जीरो है दैट मीन्स कि वो यूजर नेम डेटाबेस में फाउंड होता है और अगर ऐसा नहीं है तो हमने इको करवा देना है वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे भी हमने इको करवा देना है वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे हुआ क्या कि हमने अगर ये फाउंड करते हैं यूजर देन हमने यहाँ पे चेक किया वाइल रो MySQL फेच अरे रिजल्ट देन अगर हमने पासवर्ड को वेरीफाई करवाया ई पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड और इस डेटाबेस के पासवर्ड से रो पासवर्ड इज द डेटाबेस पासवर्ड इससे मैच होता है तो हमने मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट पहले ही कर लिया था तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट लिखने का जरूरत नहीं है दोबारा। तो सेशन लॉग्ड इन में मैंने ट्रू स्टोर करवा दिया, सेशन आईडी में मैंने आईडी स्टोर करवा दिया, नेम में नेम स्टोर करवाया बस। और वो करवा देना है वन ओके यहाँ पे हमने जब इको जीरो करवा देना है अगर लॉग्ड इन नहीं है देन और यहाँ पे भी हमने इको जीरो करवा देना है। अगर पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है तो हमने ये सेशन वेरिएबल में स्टोर करने के बाद इको वन करवा दिया और अगर पासवर्ड वेरीफाई नहीं होता है तो इको जीरो करवाना है दोनों केसेस में। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे इस सेक्शन में इंडेक्स डॉट पी एच पी पे फूटर डॉट पी एच पी पे यहाँ पे हमने लिखना है कि इफ मैसेज इक्वल टू वन देन यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड इन है में से विंडो डॉट लोकेशन डॉट लोकेशन डॉट एच आर ऐसा लिखा तो हमने ये यहाँ पे क्या होगा विंडोज रिफ्रेश होगा यहाँ पे जब हम लॉग इन करेंगे और हमारा लॉग्ड इन हो जाएगा यूजर ओके देखेंगे इस जब इस करते हैं काम फिर आगे आते हैं। नाउ एल्स पार्ट में लिख देना है यहाँ पे एल्स में हमने हेल्प नाम के आईडी पे लिख देना है एचटीएमएल वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये हेल्प स्पैन कहाँ हैगा हम रहेगा हमारा यहाँ पे मॉडल बॉडी के नीचे ओके।
एंड आई डी हेल्प क्लास टेक्स्ट डेंजर, इसकी क्लास को रख देना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे फूटर में, ओके, और इसके पहले हमें एक और काम करना है कि चेक करना है अगर यूजर नेम, इफ यहाँ पे हमने एक बार चेक कर लेना है, इफ इफ यूजर नेम इज इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ पे हमें चेक करना है कि अगर यूजर नेम नल है या पासवर्ड पासवर्ड नल है तो हेल्प में हमें लिखना है यहाँ पे बोथ फील्ड्स आर required, else part में ये पूरा Ajax का कोड लिख देना है हमें यहाँ पे, इस Ajax के कोड को हम कट करते हैं और इस else part में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं, सो हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया मैंने तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा, तो हमारे कोड पे आएंगे हम, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी पे हम आएंगे, इसे सेव करेंगे, ठीक है। अब हमने इसे रिफ्रेश करना है फिर से, चेक फ्रेंड्स हमारा ये कोड वर्क नहीं कर रहा था, तो अभी ये वर्क कर रहा है बिल्कुल। गलती यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ था पहले, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, तो पहले कुछ कोड ये इस तरह से था, ये फंक्शन हमें बस यहाँ से हटा देना है, क्योंकि एजेक्स के साथ में हमने फंक्शन लिखना नहीं होता, बाकी इस कोड में बाकी सब सही है। अब हम चलिए ट्राई करते हैं फिर से लॉगिन करने की, पहले हमने यहाँ पे कुछ एक और चीज़ कर लेनी है कि यहाँ पे हमारा जो यूज़र आईडी है वो कुछ इस तरह से है डेटाबेस में, इसमें यूजर आईडी इस तरह से लिख दिया, और सेशन में मैंने यूजर नेम में भी स्टोर करवा लेना है यहाँ पे एक और यूजर नेम, ओके। तो अब चलिए हम चेक करते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर डेटाबेस में देखते हैं, तो हमारा जो लॉगिन था कुछ इस तरह से यहाँ पे इस डेटाबेस में, ये देखिए यूजर आईडी इस तरह से लिखा हुआ है और यूजर नेम को भी हमने स्टोर करवा लिया सेशन में। हम नाउ इसमें रिफ्रेश किया, अब इस पर क्लिक करते हैं, ओके, right now it's logged in, that's so I'm going to log out। अब यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं, किसी भी बटन पे, ये हमारा ये खुल गया और हम चलते हैं यहाँ पे लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 लॉग इन नाउ, आप देख सकते हैं पे हमारा लॉग इन हो चुका है अकाउंट, ठीक है, ये अब बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, छोटा सा एरर था, तो अब हमारा लॉग इन प्रोसेस भी कम्प्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जब इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करें तो ये बैग में ऐड हो जाना चाहिए बुक, अभी देखो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हुआ, बटन में नहीं हुआ कुछ भी ऐड, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी कोडिंग करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।